왔는데 이제 키워? 이게 짜증나도 말아. 저리 가. अरे 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 भगवान यार ये लोग क्या कर रहे हैं अरे भगवान। तो आज है मायरा का फर्स्ट क्रिसमस और वो ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली है अपने भाई इवान के साथ। उमेश मैं तेरे लिए क्रिसमस स्पेशल एक गिफ्ट लाई हूँ। क्या लाई है? आग बंद कर, आग बंद कर, आग बंद कर। ओके ओके। और तेरा हाथ दे, आग खोल। अबे तो घड़ी वाली रिंग है यार। इतना क्यूट है ना? और ये चल भी रही है। अबे हाँ ये तो चल भी रही है। चल भी रही है। Yes, तो क्रिसमस स्पेशल उमेश और मैं करने वाले हैं एक एक रूम डेकोरेट। हाँ। तो हम दोनों को ना एक बजट मिलने वाला है। हाँ। जो बजट लिखा है इन टोपियों के अंदर। ओ वाओ यार ये टोपियां तो देख क्या नाच रही। वाओ तो चल फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ। हेलो, तुझे सिलेक्ट नहीं करना है। हाँ। ये सिलेक्ट करने वाले हैं हमारे चीफ गेस्ट मायरा और इवान। तो कहाँ है वो लोग? वो क्या आ रहे हैं? ये क्लैप 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 क्लैप। ये भाई बहन की एंट्री क्या ऑसम हुई। ये देखो सबसे अच्छा क्या है, भाई ने एक पाँव में जूता पहना है, बहन ने एक पाँव में जूता पहना है। और ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है? ये क्या है? पापा के प्यार आ रहा है। मेरा प्यार छोड़, अरे उसने पकड़ा, अब इसे तो हमने रख दिया है। अब एक इवान सिलेक्ट करेगा, एक मायरा। तो मायरा मेरे लिए सिलेक्ट करेगी, इवान तेरे लिए सिलेक्ट करेगा। चलो ठीक है, पहले इवान की बारी। हाँ चलो पहले इवान जा। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। इवान ने उमेश के हाथ में दे दिया है। ये अक्षना का, ठीक है मायरा तू सिलेक्ट कर। दे। ओके ओके मायरा ने ये भी उठा लिया है, ये भी उठा लिया है। मम्मी आपको भी डेकोरेशन करने का है, सॉरी। हाँ चलो सब डेकोरेशन करो। ये तो ये अक्षना का। ओके तो मायरा ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है, लाओ मैं। चलो देखते हैं मायरा ने क्या सिलेक्ट किया। कितना किया? 1,00,000 रुपए। ये यस। और क्या दिखा सर? में कुछ नहीं आता। अच्छा तेरा दिखा, अच्छा तेरा 100 रुपया रहेगा। दिखा दिखा दिखा, 100 रुपये ना चलेगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। 10,000 रुपये मैं 10 रुपये होगा। 10,000 रुपये? अरे यार 1,000 रुपये में क्या आता है यार, मेरे को नहीं चाहिए। 1,000 रुपये मिले ना। हाँ तू हर्षिता को हेल्प के लिए ले। हाँ ठीक है चलेगा, चलेगा फिर चलेगा। चलो चले इवान चले। तो मैं आ गई हूँ क्रिसमस डेकोरेशन का सामान लेने। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ क्रिसमस ट्री। और यहाँ पे देखो ये दोनों क्रिसमस ट्री कितनी सुंदर लग रही है, और ये ना रात में ना और अमेजिंग लगेगी। तो मैं ये बड़ी वाली क्रिसमस ट्री तो ले रही हूँ। तो मैं आ गया हूँ डेकोरेशन का सामान लेने। और तो क्रिसमस डेकोरेशन में सबसे पहले चाहिए रहता है क्रिसमस ट्री। तो यहाँ पे ढेर सारी क्रिसमस ट्री है और बहुत सारा डेकोरेशन का सामान भी है। तो ये क्रिसमस ट्री कितने की? 700। ये डेकोरेशन का सामान कितने का? 250 200 450 700 1100। अरे मेरा बजट 1,000 का ही है। 1,000 रुपये कर देना, कर देना, कुछ तो कर दे यार। देख यार कुछ तो कर लेना यार, प्लीज यार मैं हार जाऊंगा यार। अरे तो हंस गया, मैं हार जाऊंगा यार। तो तरीका है भीख मांगने का? तो क्रिसमस ट्री तो मैंने ले ली है, और क्रिसमस ट्री के साथ मैं क्या लेने वाली हूँ? ये सांता अंकल, और ये सांता अंकल ना डांस भी करते हैं। चलो दिखाती हूँ सांता डांस। तो मैं अभी एक शॉप में आया और मुझे मालूम पड़ा कि हम बलून से भी तो क्रिसमस का डेकोरेशन कर सकते हैं ना। और उस शॉप में मुझे सबसे बेस्ट चीज क्या मिली, ये देखिए, ये मेरी क्रिसमस का एक बंडल है जिसमें पीछे लगाने के लिए ये ऐसे वाले शिमर है और मेरी क्रिसमस लिखा है। 5 कार्टून के बलून्स है और ढेर सारे ग्रीन और रेड कलर के बलून्स है। तो मैं ये तो ले लेता हूँ। तो मैंने क्रिसमस ट्री और सांता तो ले लिया है, तो मुझे और भी डेकोरेशन की चीजें खरीदनी। और ये देखो ये मुझे क्या दिख गया, ये बड़ा स्नोमैन जो सिर्फ 150 रुपीज का है, और इसका पेड़ देखो उमेश के जैसा है। तो इस स्नोमैन के साथ ना मैं ये रिबन भी ले लेती हूँ, और ये क्या है, ओ वाव, और ये स्टिक भी ले लेती हूँ। कितना प्यारा है। तो मैंने क्या सोचा है कि स्काई से ये ट्री लगा दूंगा, ये जो ट्री है इसे स्काई से लटकते रहेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ मैं एक और मैंने देखा है ये स्नो फ्लैग का, ये भी लगा देता हूँ। और ये कितने का है? 100 रुपये का। अच्छा
और ये वाला कितने का है? 500 ओके, तो 500 600 700 700 का हो गया, 300 रुपए का और है यार। तो मेरा ये बिल 1600 रुपए का हुआ है, तो मेरे पास और भी 1400 रुपए जिसकी मुझे लाइट लेनी है और चॉकलेट्स भी लेने। चॉकलेट्स तो मैं लूंगी क्योंकि आधे चॉकलेट तो मैं ही खा जाऊंगी। तो मैंने अभी देखा कि आप क्रिसमस ट्री बलून से भी बना सकते हैं। उसमें आपको सबसे बेस्ट बात क्या, इसके अंदर जो बलून है वही यूज होते हैं, यानी कि रेड और ग्रीन, पर ऊपर के लिए एक स्टार चाहिए रहता बड़ा वाला। तेरे पास वो बलून स्टार है क्या? बलून स्टार है ना? बलून स्टार है वैसा वाला। तो रूम को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना रूम में ढेर सारी लाइट्स लगा दूं। तो ये देखो मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल सी लाइट दिख रही है, और क्रिसमस है तो स्टार तो होने ही चाहिए, तो मुझे वहाँ पे भी कलरफुल स्टार दिख रहे हैं। तो ये लाइट है 1000 रुपए की जो मैं ले रही हूँ। तो मेरे पास बचे 200 रुपए, उसका मैं ले रहा हूँ ये स्पेशल बलून। जो क्या करता है वो मैं घर जाके आपको बताऊंगा, और ये लाइट्स जो मैं अपने क्रिसमस ट्री में लगाऊंगा तो वो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलो ये सब लेते हैं और अभी घर चलते हैं। तो डेकोरेशन का सारा सामान लेके मैं आ चुकी हूँ, तो चलो मैं अभी अरेंज करना शुरू करती हूँ। चलो सांता अंकल। ये रहे सारे बलून्स, अभी हमें ये ग्रीन बलून्स का क्रिसमस ट्री बनाना है। अबे तू मेरा पार्टनर है या फिर प्याज है? प्याज मतलब क्यों? जब से मैं आपके पास आई तब से रोना आ रहा है। तो मैं ये सांता अंकल को इस कॉर्नर में लगाने वाली हूँ, और जो मेरी क्रिसमस ट्री है उसे ये वाले कॉर्नर में लगाने वाली हूँ। चलो सांता अंकल। अंकल अब ठीक तो? अरे तो कितना महंगा खरीदा है मैंने, और ये घुस क्यों नहीं रहा? और अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, उल्टा लगा रही हूँ। हाँ ये इनको मुंह ऐसे खुला क्यों है? अंकल प्लीज आप अच्छे से रहना डेकोरेशन खत्म होने तक। अरे तू किधर है, मेरे सारे बलून्स फुला के हो गए। तू गिर गई हो? तुझे लग गई कहाँ? रूम में गई। हाँ तो मेरी ट्री तो रेडी हो चुकी है, तो ट्री के नीचे थोड़ा स्नोई इफेक्ट देने के लिए ना मैं ये जो कॉटन लाई हूँ वो यहाँ पे अरेंज करती हूँ। अरे 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 यार ये क्या फूटने की आवाज आ रही है, क्या कर रहे दोनों? देख क्या ये क्या तोड़ने की आवाज आ रही है? ए, चल क्या? चल बाहर निकल। वो क्या बनाया? चल अरे हमारे रूम में आने का नहीं, हमारे रूम में आने का नहीं। तो हमारा डेकोरेशन बना के रेडी हो गया है, और चलो देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरी क्रिसमस है। मेरी क्रिसमस। तो अच्छा अभी मैं आप तीनों को बताता हूँ, ये जो रूम है इसमें हमने सिर्फ 1000 रुपए का डेकोरेशन किया, ठीक है? और वो जो रूम है वहां पे हमने 10000 का डेकोरेशन किया। तो चलो फिर पहले 1000 वाला देखते हैं। आ जाओ। ये देखो ये जो क्रिसमस ट्री है ना ये हमने पूरे बलून से बनाई, क्योंकि 1000 रुपीस थे और क्रिसमस ट्री ही 600-700 रुपए की मिलती है। ये हाँ तुझे क्रिसमस ट्री अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। और अब ना मैं तुम्हें लाइट बंद करके दिखाता हूँ। अभी ऊपर देखो। वाह।
ओके यहाँ पे इसका तोड़ना चालू हो गया इवान मेरा बेटा, थोड़े देर तो रहने दे ये। अरे मेरा जाड़, अरे मेरा ट्री है भाई, क्या कर रहा है ये ए भगवान यार, ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे भगवान क्रिसमस भी गई मेरा क्रिया में, ये कहाँ लेके जा रहा है यार मेरा क्रिसमस। ये गुड गर्ल, वो तो ले गया। ए भगवान इसने क्या कर दिया, ये क्या करके बैठा ये यहाँ पे। मायरू पापा की रूम कैसे लगी? मायरा को तो पापा की रूम अच्छी लगी, तो पापा विनर है, तू हार गई। मेरे 10,000 की रूम देखनी है ये। ये दोनों हंस रहे हैं, ये देखो। चलो चले फिर, तुम लोगों को ये फालतू वाला रूम देखना है क्या 10,000 का? जान दो ना, देख ये क्या एक्साइटेड हो रही है देखने के लिए। अरे हाँ दिखा रहे भाई, अरे हाँ बाबा दिखा रहे, रुक जा। भगवान इसको लग रहा है ये कैंडी है, देखो इसका वो, और ये भी चालू की है भगवान, ये बच्चे ना ए वाओ यार अक्षता, बट ये मुझे लाइट्स बहुत अच्छी लगी है, और ये तेरा मेल वर्जन भी बहुत अच्छा लगा। मेरे मेल वर्जन नहीं, वो सांता है। तेरे को अगर दाढ़ी मूंछें लगा देना तो सेम वैसे ही दिखेगी, मालूम है क्या? तो इस सांता की ना एक खासियत है, ओके, अगर मैं इनको बोलूंगी ना हेलो सांता लेट्स डांस, तो ये डांस करने लगते हैं। जैसे तुझे नचाती है ना वैसे अब ये सांता को भी नचाएगी। ओ हाँ चल क्या बोल, हेलो सांता लेट्स डांस। ओ ये देखो बट ये ना ये मायरा ये मुझे लग रहा बच्चे लोग देख के जरूर डर रहे हैं उसको, मायरा उधर से डर रही है। इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ स्टैंड। देखो हमने सांता को कैसे खड़ा कर दिया है, दोनों बच्चे डर रहे थे सांता को देख के, तो ये देखो अभी ये खड़े होके जलेबी भाई का डांस कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। लेकिन उमेश हाँ, मुझे ना ये अच्छा लगा स्नोमैन, यस ये बहुत, वाओ दिस इज वेरी नाइस यार। ओके और हर्षाली तुझे यहाँ पे मैं छोड़ के और क्या अच्छा लगा? स्नोमैन बहुत अच्छा लगा। ए खुद बुलवा रही है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगा। वाओ वाओ करी तो वो भी वाओ कर रही है। इवन क्या अच्छा लगा रूम में? ओह ये सब अच्छा लगा। थैंक यू। तो उमेश तेरे रूम में सिर्फ डेकोरेशन था, बट मेरे रूम में डेकोरेशन के साथ सबके लिए ट्रीट भी है। खाना भी है? हां अच्छा लगा रूम अच्छा है। क्या क्या अच्छा लगा रूम अच्छा है? मेरे को खाने का देगी ना चलो रुको मैं लेके आती हूँ। वेरी गुड मायरा, तुझे क्या अच्छा नहीं लगा इधर? ये अच्छा नहीं लगा उसको। और मस्त क्या लगा? ओह ये अच्छा लगा। ओह वाह अरे वाह, तो हमारे मेहमानों ने दोनों रूम अच्छे
अच्छे से देख लिए yes. तो सबकी पोल लेते हैं कि क्या क्या कहना है। यस सोनिका तुझे क्या अच्छा लगा? हम मुझे लगता है सबका मिलजुल के यही डिसीजन है, अक्षा जीत गई है। क्या वन पॉइंट यार, वो उसका कितना बेकार था। तूने देखा मेरे उधर का वो बलून वाला ट्री देखा क्रिसमस का? मतलब यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आप सबको हमारे तरफ से मैरी क्रिसमस।